शनिवार और रविवार को अब घर का काम पति करेगा और पत्नी बाहर का। किसी एक के बीमार पड़ने पर परिवार के लिए होटल से खाना आएगा। कुछ इस तरह की शर्तें लिखकर उसे कानूनी जामा पहनाने के लिए दंपत्ति जिला विधिक प्राधिकरण पहुंचे। तब तक प्राधिकरण में महिला पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचती थी, लेकिन प्राधिकरण में पहली बार ऐसा जोड़ा पहुंचा जिसने अपने झगड़े को कुछ शर्तों पर खत्म कर दिया। जी हाँ, दोनों सभी शर्तों को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखकर प्राधिकरण पहुंचे थे। प्राधिकरण सचिव ने दोनों के समझौते का सम्मान करते हुए प्रकरण को जिला कोर्ट भेज रहे हैं ताकि समझौते पर कानूनी मुहर लगाई जा सके। प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा ने बताया कि उनके यहाँ अभी तक ऐसे मामले आते हैं जिसमें पति पत्नी को बाहर निकाल दिया, पत्नी ने ससुराल वालों के खिलाफ प्रकरण लगा दिया। पहली बार एक ऐसा जोड़ा पहुंचा है जिसने 5 साल से चल रहे झगड़े को समझदारी से सुलझा लिया। उन्हें इसके लिए ना तो वकील की जरूरत पड़ी ना ही कानूनी हस्तक्षेप की। पति और पत्नी दोनों निजी कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं। उन्होंने आपस में कुछ शर्तों के आधार पर समझौता कर लिया और समझौता तोड़ने पर दोनों ने खुद के लिए दंड का प्रावधान भी कर लिया है। पति पत्नी ने एक दूसरे के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, वो हम आपको बताते हैं। 5 दिन पत्नी खाना बनाएगी और घर की देखभाल करेगी। शनिवार रविवार को पति खाना बनाएगा, घर की देखभाल के साथ बच्चों के स्कूल का होमवर्क करवाएगा। इस दौरान किसी एक के बीमार पड़ने पर बाहर से खाना आएगा। एक दूसरे के प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ऑफिस में लेट घर पहुंचने की सूचना 2 घंटे पहले एक दूसरे को देना होगी ताकि कोई एक घर पहुंचकर बच्चों को संभाल सके। दोनों एक दूसरे के माता पिता के संबंध में कोई छींटाकशी नहीं करेंगे और ना ही हस्तक्षेप करेंगे। दोनों अपने माता पिता के लिए भरण पोषण की राशि अपनी इच्छा अनुसार दे सकेंगे। बच्चों के भविष्य के लिए दोनों अपने अकाउंट से कुछ राशि जमा कराएंगे। बच्चे के स्कूल में होने वाली पेरेंट्स मीटिंग एक माह पत्नी अटेंड करेगी, वहीं एक माह पति। कोई भी यदि टूर पर होगा तो सूचना 5 दिन पहले देंगे। घर का खर्च दोनों ही बराबरी से उठाएंगे। जो मकान खरीदा है वो बच्चों के नाम कर दिया जाएगा संयुक्त रूप से। इन शर्तों के साथ ही पति और पत्नी ने दोनों के लिए दंड का प्रावधान भी किया है ताकि दोनों में से कोई भी शर्त तोड़ता है तो उसे दंड दिया जाए। शर्तों का उल्लंघन कोई भी करता है तो एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र है। बच्चे शर्तों का उल्लंघन करने वाले के साथ नहीं रहेंगे। उल्टे बच्चे का भरण पोषण के लिए 20,000 रुपये प्रति माह देना होगा। प्राधिकरण में पहुंचने वाले केसों में पति पत्नी की काउंसलिंग करके समझौता कराया जाता है। यहाँ होने वाले समझौते के बाद किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, लेकिन प्राधिकरण में ये पहुंचे पति पत्नी खुद ही अपना झगड़ा निपटाना चाहते थे। शायद इसीलिए इन्होंने कुछ शर्तें रखी जो ये दोनों मानेंगे, और अगर शर्तों को कोई तोड़ता है तो इन्होंने अपने शर्त तोड़ने पर दंड का प्रावधान भी रखा है। और आखिरकार इन पति पत्नी का झगड़ा सुलझ गया है, इन पर बस कोर्ट की मुहर लगना बाकी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।